चार साल से ओपन हुआ है, तीन साल से लगातार कुलचे खा रहा हूँ। बाकी प्यार है लोगों लग रहे हैं। ये तो है बिल्कुल बिल्कुल भाई, तवे पे सेक के देते हैं। अच्छा, इसमें ऑयल नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, किसी प्रकार का एकदम सूखे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। शुरुआत भैया सिर्फ चाय के स्टॉल से की थी। ये राज इसका मतलब हमारा जो शुरू से जो इसका स्वाद है, जो हमने हमारे बुजुर्गों ने इसको मेंटेन किया हुआ है, उसी को आगे हम कंटिन्यू ऐसे मेंटेन करते आ रहे हैं। 60 साल पुराना काम है उनका। अच्छा, 60 साल हो चुके हैं आपको। फिल्म स्टार हैं जिन्होंने अभी री रिलीज की है सोमवार। ओके, सोहम शाह। ओके, वो इसको कपिल शर्मा में भी लेके गए थे बर्फी को। चटनी और साथ में लहसुन की चटनी डाली है जी, राजस्थानी जो एक्चुअल में जो पॉपुलर चटनी होती है वो। इनकी बर्फी के और इनकी मिठाइयों के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू श्री गंगानगर सीरीज। हम आपको लेकर आए हैं जी श्री गंगानगर में, यहाँ के फूड एंड ट्रैवल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लाजवाब से सफर की। पंडित जी छोले कचोरियाँ और छोले कुलचे वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब जायका सर्व कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे, जानते हैं इनकी भी जर्नी के बारे में और चखेंगे यहाँ का लाजवाब जायका। एंड मेरी पूरी कोशिश है, मैं इस वीडियो में आपको वही जायकों से रूबरू करा रहा हूँ जो एक्चुअल में काबिले तारीफ है और वाकई में लाजवाब जायका सर्व किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मुकेश शर्मा। और ज़रा बताइए कि मतलब बड़ा आपके बारे में गंगानगर में सुना है कि आप कचोरी और कुलचे सर्व करते हो। छोले कुलचे कचोरी। ओके, तो आप थोड़ी इसकी स्पेशलाइजेशन बताइए। बड़े यूनिक तरह के आपके छोले और मैं सेटअप भी देख रहा हूँ, बड़ा आपने यूनिक तरह का लगा रखा है। सर मेन चीज़ तो सफाई है। हाँ जी। दूसरा नंबर टेस्ट है। ओके, तो टेस्ट शुरू से लेकर आज तक जो पिताजी का पुराना काम है। हाँ जी, 60 साल पुराना काम है उनका। अच्छा, 60 साल हो चुके हैं आपको पिताजी के टाइम का ये पुराना काम है, उसी को हम आगे चला रहे हैं। ओके, मतलब 60 साल से टेस्ट वही रखा हुआ है। ओके, तो कुलचे भी शुरू से बेचे जा रहे थे? हाँ जी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये आपके बॉइल्ड होते हैं या तड़के वाले होते हैं, कैसे होते हैं? बिना घी बिना तेल के। अच्छा, ओके, कोई इसके अंदर तड़का नहीं, प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, बिल्कुल एकदम सादे छोले, कोई घी नहीं, कोई तेल। और ये जो कचोरी बना रहे हो आप, हाँ, ये इसके अंदर कुछ फिलिंग वगैरह भी करते हो आप? ये सिंपल कचोरी होती है, हल्का मसाला होता है, चने के साथ खाई जाता है। ठीक, इसके अंदर दाल वगैरह भरते हो? हल्का फुल्का मसाला, बिल्कुल लाइट। हाँ, बाकी ये चने के साथ तोड़ के खाई जाती है। ओके, तो ये जो कुलचे हैं ये बिल्कुल मैंने देखा है, बिल्कुल छोटे छोटे यूनिक तरह के हैं ना। ये चटनी बनाते हो अभी, इमली वगैरह की बनाते हो? सिंपल इमली की चटनी। सिंपल इमली और गुड़ वगैरह भी डलता है? ओके, बिल्कुल एकदम सादा आ जाए। ये वैसे प्रॉपर एड्रेस क्या रहता है एग्जैक्ट? ये जी 24 आदर्श नगर है वैसे। हाँ जी, आदर्श नगर पार्क के सामने। ओके। और ये राधेश्याम रोड श्री गंगानगर। और आप शुरू कितने बजे करते हो? सुबह 7:15 7:30 बजे। और वो कितने बजे तक होते हो? शाम को 4-5 बजे। वेल चेक दिस आउट जी, ये आ चुका है इनका बढ़िया सा जायका। एंड ये देख सकते हो आप छोले हैं, इसके ऊपर चटनी डाल के एकदम सिंपल छोले हैं, साथ में 3 पीस कुलचों के साथ इसको सर्व किया जाता है। ये एक प्लेट है प्रॉपर, एंड ये प्लेट है जी कचोरी की, जिसको छोले वगैरह और मिर्च इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करके प्रॉपर सर्व किया जाता है। जैसा भैया ने आपको बताया एकदम सिंपल जायका है, कोई ज़्यादा तड़क भड़क चीज़ें नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इनके छोले टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। भाई वाह, एकदम बॉयल्ड सिंपल एंड लाजवाब जायकेदार फ्लेवर वाले छोले हैं, बिल्कुल लाइट मसाला है, कोई ओवर मसाला नहीं है। एंड ये जो कुलचा ना, ये चेक करो आप, मतलब श्री गंगानगर के अंदर ही बनाया जाता है। एंड ये चेक करो, बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे अमृतसर में एक अलग कुलचा मिलता है, यहाँ का अलग स्टाइल है, हरियाणा में हमारे अलग स्टाइल का कुलचा मिलता है, दिल्ली में अलग स्टाइल के कुलचे मिलते हैं, तो हर जगह की एक अपनी ऑथेंटिसिटी है। क्लासिक जगह। एंड अब टेस्ट करते हैं इनकी कचौरी, एकदम सिंपल तरीके वाली कचौरी बनाते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम कोई भी ज़्यादा दाल की ओवर पीठी नहीं भरते,
एंड कचौरी और छोलों वाला जायका पूरे श्री गंगानगर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्लासिक आइटम। बढ़िया सी खस्ता कचौरी है, हल्की हल्की उसके अंदर दाल की पिटी है, लेकिन जो छोले हैं ना उसके साथ जो मर्ज होके भाई फ्लेवर दे दिया। वैसे कई जगहों पे आलू कचौरी मिलती है, कई जगहों पे चटनी के साथ सर्व की जाती है ना, यहाँ पे छोलों के साथ सर्व की जाती है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार। और ये लस्सी वगैरह भी सर्व करते हैं, जैसे ये नमकीन लस्सी है एंड ये मीठी लस्सी है, ये खुद से ही यहाँ पे तैयार करते हैं। रिफ्रेशिंग फ्लेवर है एंड डाइजेस्टिव मसाला है प्रॉपरली, तो आपका मज़ा आ जाएगा, एक बढ़िया सी मील बन जाएगी आपकी। एंड अब चलते हैं आप किसी और जगह पे और देखते हैं और क्या बढ़िया चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। नेक्स्ट प्लेस जो हम आपको लेकर आए ना वो है जी सैनी नमकीन हाउस। यहाँ मिलते हैं बढ़िया से छोले भटूरे एंड छोले समोसे, तो चलिए इनके छोले भटूरे टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं यहाँ का स्वाद कैसा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नाम विक्रम सैनी। और सर बताइए, आप सैनी छोले भटूरे की शुरुआत कितने साल पहले की आपने? ये हो गए 50 साल। 50 साल हो गए लगभग जी। पिताजी ने की थी। अच्छा, इसी जगह से की थी आपने शुरुआत? यहीं से। ठीक है, तो क्या खास ऐसा छोलों में डालते हो, लोग इतने दीवाने हैं आपके? छोलों में तो वो मसाला है गरम बस, और कुछ नहीं है, अपना पिसा हुआ। कोई तड़का प्याज टमाटर कुछ ऐसा? कुछ नहीं है, ना प्याज है ना टमाटर है, अदरक है इसमें। अच्छा, और मिर्च है और सिंपल मसाले? सिंपल मसाले। ओके। अच्छा, ये इसी परात में बनाते हो आप यार? पित्तल वाली। वाह जी वाह। और साथ में समोसे भी आप बना के रखे हुए हैं? हाँ जी, छोले समोसे और छोले भटूरे और राइस। अच्छा, राइस भी, छोले राइस। ठीक है। और अंकल कितने बजे शुरू करते हो आप यहाँ पे? सुबह 7:15 तक शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कितने बजे तक होते हो आप? 4:30 तक। 4:30 तक मिलेंगे जी। इनके बढ़िया से छोले एंड साथ में एंड ये पहले यहाँ पे भटूरों को फ्राई किया जाता है एंड फ्राई करने के बाद भटूरे यहाँ पे ठंडे कर लिए जाते हैं, उसके बाद इसको तवे पे सेक के दिया जाता है। तवे पे सेक के देते हैं। अच्छा, इसमें ऑयल नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, किसी प्रकार का एकदम सूखे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, तवे पे सेक दे रहे हो? ठीक है। और क्या प्राइसिंग रहती है, कितने रुपए एक प्लेट इसकी? 50 रुपीज है जी। 2 पीस 50 रुपीज के। प्रॉपर एड्रेस क्या रहता है वैसे? ये महावीर जल मंदिर है यहाँ पे, और श्री सनातन धर्म स्कूल सामने है। ओके, वहाँ पे सुबह 8:30 आपको बढ़िया सैनी जी के छोले भटूरे खाने को मिल जाएंगे। वाह, थैंक यू सो मच अंकल। आ चुके हैं इनके छोले भटूरे एंड ये है जी इनके छोले, जिसके ऊपर चटनियाँ डाल के सर्व किया गया एंड साथ में बढ़िया सा कोफ्ता। चलिए जी पहले छोले टेस्ट करते हैं। मैंने छोले लगवाए, मैंने मीठी चटनी नहीं डलवाई, स्पाइसी रखे हैं, मेरे को स्पाइसी पसंद है। और बहुत बढ़िया छोले हैं, मसालों का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। साथ में है जी भटूरे और इसके अंदर हल्का हल्का मेरे को नमक मिर्च नज़र आ रहा है, जीरा नज़र आ रहा है। ऐसे यहाँ पे तवे पे सेक के भटूरों को सर्व किया जाता है, और अगर आप सुबह सुबह आ जाओगे तो आपको ऐसे फूले फूले भटूरे खाने को भी मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए जी एक बाइट टेस्ट करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। मसालों का बढ़िया ब्लास्ट है, मज़ेदार है। अगर आपको मसालेदार छोले और भटूरे खाना पसंद है ना, दिस प्लेस इज़ फॉर यू। लाजवाब जायका है। एड्रेस टाइमिंग्स आपको सब कुछ पता लग चुका है, अगर आपको जायका टेस्ट करना है तो आपको आना ही पड़ेगा। एंड अब चलते हैं आपको लेकर श्रीगंगानगर के और बढ़िया जायकों को ढूंढने के लिए। वेल, हम हैं जी श्री गंगानगर में अमृत स्वीट शॉप पर एंड इनका जो समोसा है, हमें रिकमेंडेशन थी कि बहुत ही अच्छा है आलू का समोसा। इसके अंदर ये आलू की स्टफिंग बेसिकली होती है जी, स्टफिंग की वजह से हर चीज़ पॉपुलर हो जाती है। तो चलिए एक बाइट चखते हैं और आपका स्वाद बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। काफ़ी यूनिक है, मटर एंड आलू का एक बढ़िया सा ब्लेंड बना रखा है मसालों के साथ। मतलब समोसे मैंने बहुत जगहों पर खाए हैं और हर जगह का अपना ही स्वाद है, वैसा ही ये भी स्वादिष्ट है एंड मटर काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। ये जी चटनी के साथ टेस्ट करने की,
इन्होंने बढ़िया सी यहाँ पे चटनी बना के रखी हुई है। पहले चटनी को थोड़ा सा इंडिविजुअल टेस्ट कर लूँ। वाओ, मेरे को ये इमली गुड़ की लग रही है। और मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में बढ़िया है, जो एक्चुअल में टेस्टी है, और जो बाकी लोग काबिले तारीफ जायका सर्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे के सफ़र को हमारे कंटिन्यू करते हैं। वेल, फिलहाल हम है जी श्री गंगानगर में, आपको लेकर आए हैं नेक्स्ट प्लेस पे। वो है जी मारुति प्लाज़ा। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हो पूरी प्रिपरेशन चल रही है जी कुलचों की। यहाँ मिलते हैं स्टफ कुलचे। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी, और देखते कब इन्होंने शुरुआत किया और कैसा जायका परोसा जा रहा है यहाँ पे, और फिर चख के आपका स्वाद जरूर बताएंगे यहाँ का स्वाद कैसा है। की हाल चाल है भाई जी? बढ़िया ही कृपा है। वाह, वधिया ही वधिया। की नाम है तुम्हारा? राहुल। और भाई कितने साल हो गए थे काम करते हुए? 4 साल हो गए मेरे। 4 साल इसी जगह थे? हाँ जी भैया। अच्छा, की एड्रेस की रहते हैं वैसे? मेरे दुर्गा मंदिर है, दस पार्क के कोले। ओके। हाँ जी मेरे। तो कुलचा बनाने की इंस्पिरेशन कितों मिली तुम्हें? मेरे बोरो देख के आया जी। अच्छा, बोरो सीखे है? हाँ जी भैया। अच्छा, तुम बोर तो हो गई? हाँ जी भैया। अच्छा, तो गलगा गंगानगर चले हो? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। मतलब की एवं स्पेशल पाते हो कि लोग इन्ने दीवाने तो कुलचे दे? ऐसी तक कुछ नहीं पाते यार। अच्छा, नॉर्मल कुलचा बनाई दे, बाकी प्यार है लोगों का यार। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। आलू का मसाला है इसके अंदर, सारे मसाले वगैरह मिक्स करते हो? प्याज वगैरह भी डालते हो? प्याज। सिंपल। ओके। उसके बाद आ जाती है भाई साहब मेयोनीज। मेयोनीज। अच्छा, ये मेयोनीज आ गई अब इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर आ गई ये मेयोनीज। ठीक है। और मेयोनीज के बाद अब ये शुरू हो गया स्वीट कॉर्न, प्याज और शिमला मिर्च। ओके। जो पिज्जे की फिलिंग है ना, सारी वही डलेगी इसके अंदर। अच्छा, जो पिज्जा पे लगती है वही सारी? हाँ। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं पिज्जा आलू कुलचा? पिज्जा स्टफ कुलचा बोल सकते हैं। पिज्जा स्टफ कुलचा है ना? हाँ। वाह। तो उसके बाद आ जाती है ऊपर से पिज्जा टॉपिंग। ओके। पिज्जा टॉपिंग के ऊपर से आ जाती है भाई साहब नॉर्मली सॉस। ओके। टमाटो सॉस है जो, वो डलती है। उसके ऊपर आ जाते हैं भाई साहब चिल्ली फ्लेक्स। ओके। चिल्ली फ्लेक्स के बाद आ जाते हैं भाई साहब ऑरेगानो। 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 और फाइनली ये हो जाता है कुलचा तैयार। फाइनली होता है ढक्कन लगने के बाद तैयार। अच्छा, क्या एड्रेस रहता है वैसे आपका ये? ये रहते हैं हमारा आदर्श पार्क के सामने, दुर्गा मार्केट। ओके। छोटो ढाई वाले के बिल्कुल सामने। ठीक है। कितने बजे शुरू करते हैं तुम ये? तकरीबन 1:30 to 2 बजे ला लीजिए। 1:30 to 2 बजे? हाँ जी, आए नहीं। ओके। एंड ये बटर से सिकाई चल रही है? हाँ जी, हाँ जी भैया। सिकाई अमूल बटर? अमूल बटर। ओके, ओनली अमूल बटर। हाँ जी भैया। भाई स्पीड बहुत है थोड़ी है। साहब 5 साल हो गए आप ही बन जाते हैं। थैंक यू सो मच भाजी। आपका क्या नाम है? अंशुल चावला। और भाई आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, कितने साल से खा रहे हो आप? मैं जी 4 साल से ओपन हुआ है, 3 साल से लगातार कुलचे खा रहा हूँ। अच्छा, इतना टेस्ट लाजवाब है पूछो ना, पूरे गंगानगर में मैंने ऐसा स्टफ कुलचा नहीं खाया। मैं कहता हूँ जी सारे लोकल बटर यूज करते हैं, एक ये भाई है जो प्रॉपर अमूल बटर में खिलाता है और भर के अमूल बटर होता है इनके। अरे जो आपके दोस्त खड़े हैं ये भी सारे एंजॉय करते हैं डेली डेली जी। मना कर दे बटर काट ला दो। अच्छा, 90% कस्टमर आ गए हैं ना बटर लांदे देख लो। अच्छा जी, मतलब पूरा बटर बटरी काम हो जाता है? बटर बटरी जी। वाह जी वाह। वेल, ये आ चुके जी स्टफ्ड कुलचा, बढ़िया सा आलू का मसाला है, साथ में सॉसेस का लाजवाब फ्यूज़न है। पिज़्ज़ा स्टफ कुलचा बना दिया गया, 50 रुपये इसका प्राइस है। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी, ओवरऑल वर्थ वाइल जायका, कुछ यूनिक, कुछ बढ़िया फ्यूज़न वाला। भाई जो नेक्स्ट प्लेस में हम आपको लेकर आए हैं ना भाई, इनकी बर्फ़ी के और इनकी मिठाइयों के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, तो ये चर्चे इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं इनसे, हम हैं रेवाड़ी बर्फ़ी वालों के पास, जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में और टेस्ट करके आपको स्वाद जरूर बताएंगे यहाँ का स्वाद कैसा। नमस्कार जी।
क्या नाम है सर आपका? प्रदीप नाम है मेरा। और जरा बताइए आपने इसकी शुरुआत कैसे की? जो ये बर्फी, इसकी शुरुआत हुई थी हमारे दादाजी ने की थी 1958 में, स्टार्टिंग किया था बिजनेस। ओके, उसके बाद से फिर कैरी फॉरवर्ड ही चल रहा है पापा का, फिर मैं भी संभालता हूँ। ओके ओके ओके, तो बेसिकली आप मिल्क प्रोडक्ट ही बनाते हैं? मेन रेवाड़ी बर्फी और कलाकंद का है। रेवाड़ी बर्फी मतलब इसको रेवाड़ी क्यों बोला जाता है? इसको रेवाड़ी इसलिए बेसिकली क्योंकि हम बिलोंग करते हैं रेवाड़ी। अच्छा, आप रेवाड़ी से हो? रेवाड़ी से आए तो रेवाड़ी बर्फी है। नाम रेवाड़ी बर्फी पड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। 65 ईयर। अच्छा, थोड़ा आप एड्रेस भी बताओ, ये एड्रेस क्या रहता है? मेन मार्केट में गोल बाजार में है, रविंद्र पथ के पास। हमारी शॉप की जो आइडेंटिटी है रेवाड़ी स्वीट्स के नाम से है, और सैनिक जी की शॉप के नाम से फेमस है, और यहाँ मिलती जुलती काफी शॉप्स है। okay. ये वाली ओरिजिनल है। okay. जो भी कस्टमर आउटसाइड से आए तो वो थोड़ा सा ये देख लें भी ओरिजिनल दुकान रेवाड़ी स्वीट्स और सैनी जी की शॉप के नाम। सैनी जी की शॉप, ठीक है। तो आपकी बर्फी जो है कपिल शर्मा की गई थी। फिल्म स्टार है जिन्होंने अभी री रिलीज की है सोमवार, सोहम शाह, वो इसको कपिल शर्मा में भी लेके गए थे बर्फी को, वहाँ भी काफी लाइक किया अभिषेक बच्चन ने, अजय देवगन ने। 174 एपिसोड है वो। ओके, अच्छा वो वैसे मतलब यहीं से श्रीनगर से है? रिद्धि सिद्धि हमारे कॉलोनी है, उसके ऑनर हैं वो। अच्छा। और डायरेक्टर भी करते हैं उन्होंने। अभी तुम्बाड़ उन्होंने री रिलीज भी की है पहले, तुम्बाड़ में रोल भी किया, बहुत अच्छे कलाकार है। वन वीक पहले आए भी थे, उनके ऑफिशियल पेज पे भी मेरी पिक है उनके साथ। मतलब पूरे गंगानगर में आपके जो चर्चे हैं अभी बर्फी के वाक्य भी है ना। चलो थैंक यू सो मच। ओके, ये है इनकी कलाकंद एंड ये है जी इनकी रेवाड़ी बर्फी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए दोनों चीज़ें टेस्ट करते हैं। और ये ना थोड़ी हल्की च्यूई होती है, मैंने पहले टेस्ट की है, तो चलिए एक बारी और चख के आपको ज़रूर बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। बहुत लाजवाब बर्फी है, बहुत ही बढ़िया। भैया ने आपको इसकी स्टोरी भी बताई और ये भी बताया कि ये बर्फी कहाँ कहाँ तक जा चुकी है और कितनी पॉपुलर है। एंड ये है जी कलाकंद, काफ़ी सॉफ्ट है भाई, बर्फी के अंदर मीठा एकदम बैलेंस है, काबिले तारीफ। ओए भाई, लिटरली कलाकंद मुंह में रखते साथ ही घुल गया, इतना स्वादिष्ट है। बिल्कुल लाइट मीठा मज़ेदार वाला, मेरे को तो भाई बहुत पसंद आया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप श्री गंगानगर आ रहे हो और अगर आपने आके इनकी बर्फी टेस्ट नहीं की ना, तो आपका ट्रिप वाकई में अधूरा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मिसाल दी जाती है कि अगर आपने वो टेस्ट नहीं की ना, तो आपका ट्रिप वाकई में अधूरा है। तो वैसा ही ये जायका है, और एड्रेस एंड टाइमिंग्स आपको पता लग चुकी है, तो आप आके यहाँ इंजॉय कर सकते हो। एंड अब बारी आती है आपको लेकर चलने की गंगानगर के और बढ़िया से जायकों को तलाशने की, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफ़र को आगे। वेल, नेक्स्ट जो जगह हम श्री गंगानगर में लेकर आए ना आपको, आपने पूरे इंडिया में मैगी की दीवानगी तो देखी होगी, लेकिन यहाँ की जो मैगी की दीवानगी है ना भाई, इनसेन लेवल की है, क्रेजी पन है मैगी के लिए। आपने मैगो पैकेटों के हिसाब से बिकते रहो देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैगी बिकती है ना, वो पेटियों के हिसाब से बिकती है भाई पूरे दिन के अंदर। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी, चखते हैं यहाँ की लाजवाब मैगी और देखते हैं कौन कौन सी तरह की मैगी यहाँ पे मिलती है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। क्या हाल है चिंटू भाई? बहुत बढ़िया यार। वैसे पूरा नाम भी बताइए तो ज़रा आप अपना। धर्मेंद्र चौहान। वाह जी वाह, चिंटू से फेमस हो हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या खास खिलाते हो वैसे? सैंडविच बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। अच्छा। शेक्स बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। अच्छा, शेक्स, सैंडविच और मैगी वगैरह। हाँ, बेसिकली जो फेमस हुए आप वो मैगी की वजह से? हाँ जी हाँ जी, मैगी। ओके, ओके। तो कैसे शुरुआत की, जरा अपनी जर्नी भी बताओ। शुरुआत भैया सिर्फ चाय के स्टॉल से की थी। अच्छा, चाय बनानी स्टार्ट की थी पहले, फिर धीरे धीरे मैगी स्टार्ट हुई, और फिर सैंडविच और फिर शेक। ओके, 5-6 वैरायटीज की मैगी होगी और सैंडविचेस? सिर्फ एक ही तरीके का चीज़ सैंडविच। रविंदर जी बताइए, आपको वैसे कितने साल हो गए यहाँ मैगी बनाते? देखो, इस जगह पे तो प्रॉपर हो गए भैया 18 महीने। ओके, और वैसे अपने को 3-4 साल हो गए काम करते करते। ओके, तो चिंटू भाई के भाई हो आप? हाँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ सर। ओके, तो आप मैगी बनाते हो और वो सैंडविच बनाते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, तो कौन कौन सी तरह की मैगी आप बना रहे हो? मैगी चीज, तंदूरी, सेजवान, पेरी पेरी, प्लेन मैगी, मतलब 6-7 तरह की वैरायटीज है। हाँ जी सर। चीज मैगी है? चीज मैगी है।
इसके अंदर भी सब्जियां वब्जियां सब डालते हो? शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न। अच्छा, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न वगैरह, प्याज वगैरह डाल के, और साथ में इसके अंदर जो सॉसेज आएंगी, बाकी चीज ब्लेंड और गोका चीज स्लाइस। ओके, वो दोनों चीजें जाके तैयार हो जाएगी मैगी सर? तंदूरी मैगी। ओके, इसमें तंदूरी सॉस डालते हो? हाँ जी सर। यहाँ पे कौन सी लगा रहे हो? आप जो ऑर्डर दोगे वो लगाएंगे। फिर आप अपनी बेस्ट वाली लगा दो जो आपकी फेमस है। हाँ जी सर। मतलब आप फिर बताइए तो कौन सी फेमस है सबसे ज्यादा? आपकी तंदूरी पेरी पेरी मिक्स लगाते हैं। अच्छा, तंदूरी पेरी पेरी मिक्स। हाँ जी। वाह, मेरे लिए भी नया एक टेस्ट हो जाएगा, मैंने टेस्ट नहीं किया पहले से ये। कोई तेल वेल मक्खन का तड़का नहीं है? कुछ नहीं भैया, सिंपल पानी है बस। पानी के अंदर ही डाल के सब कुछ तैयार किया जा रहा है? हाँ जी। ओके, 40 रुपए से शुरू है? हाँ जी। और 70 रुपए तक लास्ट है? हाँ जी। इससे ऊपर नहीं है? इससे ऊपर नहीं है। वाह जी वाह, बिल्कुल सही प्राइस पे है, नॉमिनल प्राइजेस है आपके। एड्रेस भी बताइए दो यार। एड्रेस नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सूरतगढ़ रोड, श्री गंगानगर। ओके, यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक आप सेल करते हो? दोपहर में 3 बजे से रात के 12:30-1 बजे तक। 12:30-1 बजे तक चलता रहता है। वली आ चुके जी पैरी पैरी तंदूरी मैगी, एंड बिल्कुल अलग अलग तरह के फ्यूजन से मैगी के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर एक बढ़िया सा चीज़ स्लाइस, ओरिगैनो स्पाइस, एंड साथ में स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम एंड अनियंस, इसको मर्ज करके बॉइलिंग वाले तरीके से इसको बनाया गया है। चखते हैं। तंदूरी है, जो तंदूरी सॉस होती है उसका फ्लेवर आ रहा है, प्रॉपर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, एकदम क्रीमी टेक्सचर हो रखा है इसका। कुछ यूनिक खाने को मिला, मतलब मैगी के साथ एक बढ़िया सा फ्यूज़न कर रखा है। ओवरऑल बहुत टेस्टी लग रही है, हमें ओवरऑल बहुत अच्छी लगी, टेस्टी है, ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अब चलते हैं, हमारे सफ़र को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और श्री गंगानगर में बेस्ट क्या मिलता है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो ना, महाराजा गंगा सिंह जी की है, इन्हीं के नाम पर ही श्री गंगानगर शहर बसा हुआ है। तो देख रहे हो आप कितनी सुंदर प्रतिमा बना रखी है। वेल, हम है जी श्री गंगानगर में, एंड फूड के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी का स्मारक बना है यहाँ पे। जो जगजीत सिंह जी थे, हमारे लेजेंडरी सिंगर, उनका जो जन्म है वो श्री गंगानगर में हुआ था 1941 में, एंड इसी गली के अंदर, ये गली दिखाओ सिविल लाइन्स के अंदर, इसी गली के अंदर आगे स्मारक बना हुआ है। अभी ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन मतलब फिर भी मैं आपको बाहर से एक बार दिखाता हूँ। म्यूज़ियम बनाया जा रहा है और जिसके अंदर उनकी सारी चीज़ों को संग्रह करके यहाँ रखा जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश। कचोरी वगैरह बना रहे हो आप? हाँ, कचोरी का। कौन कौन सी कचोरी बनाते हो आप? कचोरी बनाते हैं, दालें बनती है दो तरह की, देखो तो बनती है हींग की कचोरी दाल में। अच्छा। और एक बनती विदाउट हींग। अच्छा, एक हींग की और एक बिना हींग की? हाँ, है ठीक है। और एक बनती प्याज कचोरी। ओके। एक चौथे आइटम बनाते हैं समोसा ड्राई में। अच्छा, ये ड्राई आइटम्स भी बना रहे हो? है, तिल पारे हैं, समोसा, मट्टी, पापड़ी, ड्राई कचोरी। लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते? 13 साल हो गया इसी जगह पे। एड्रेस क्या रहता है प्रॉपर, अगर किसी को आना हो तो? स्वामी दयानंद मार्ग बोलते हैं इसको। ओके। और आर्य समाज ये स्कूल है, इसके नीचे हमारी दुकान। और ये टाइमिंग क्या रहती है आप? सुबह 8 से शाम को 8। अच्छा, 8 बजे शुरू होता है ब्रेकफास्ट? कचोरी 10 बजे तैयार होती है। ठीक है। 10 से शाम को 7:30। 10 से 7:30 और बाकी सारी चीजें सुबह 8 बजे मिलनी शुरू हो जाती है। चलो, थैंक यू सो मच अंकल, ट्राई करते हैं आपका जाएगा। करें, करें। कचोरी की मेकिंग शुरू हो चुकी है, और कौन सी कचोरी लग रही है? ये मोगर कचोरी है, मोट मोगर वाली। हाँ जी। ये दाल का मसाला होता है, दाल होती है एक तो। अच्छा। उबली हुई। हाँ। और बेसन होता है, बेसन बारीक, मतलब ये भून के अच्छे से, है ना। और ये आप लगाए जा रहे हो एकदम साफ सुथरे तरीके से, यहाँ पे मेकिंग चल रही है प्रॉपर, बॉल्स बना के इन्होंने और ये यहाँ पे लगा दिए। ये आपकी प्याज कचोरी का मसाला होगा प्रॉपर, जो वो कचोरी के अंदर फिलिंग कर रखी है आपने, है ना। तो इसमें सिर्फ प्याज और आलू वगैरह डालते होंगे? प्याज और आलू वगैरह, प्याज और आलू वगैरह डाल के अच्छे से मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च वगैरह। अच्छा, ये प्याज कचोरी है, ये प्याज कचोरी बन के आई है।
हींग वाली होगी है ना। वाह भाई वाह। और इसके साथ ये खट्टी मीठी, खट्टी मीठी चटनी थी, गुड़ी मिलेगी। ओके, वो अलग चटनी है, ये मक्के लहसुन की चटनी। अच्छा थोड़ी सी आप ये भी डालो यार, क्योंकि राजस्थान की जो फेमस है वो तो यही है। फिलहाल हम है जी हिंगलाज कचौरी वालों के पास, एंड मैंने आपको पूरी मेकिंग दिखाई यहाँ की, तो चलिए चखते हैं इनकी। ये है प्याज आलू की कचौरी, आलू और प्याज को मिक्स करके एंड साथ में इसके ऊपर मीठी चटनी और साथ में लहसुन की चटनी डाली है जी, राजस्थानी जो एक्चुअल में जो पॉपुलर चटनी होती है वो। चलिए जी इसको चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं कि इसका मसाला कैसा है एंड चटनियों के साथ कैसा फ्यूज़न आता है इसका। काबिले तारीफ मसाला है, हर बंदे का अपना तरीका सर्व करने का। जैसे कई जगह पे मैंने दही वाली टेस्ट की, कई जगह पे सिर्फ मीठी चटनी के साथ, कई जगह पे आलू वाली, और यहाँ पे इन्होंने जो लहसुन की चटनी है वो डाली है इसके ऊपर, उसके साथ एक अलग ही फ्यूज़न आ रहा है, एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। बेसिकली है जो आलू प्याज का मसाला इसके अंदर पूरा लोडेड है। ओवरऑल जायका बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब है, काबिले तारीफ़ है। एंड अब लेकर चलते हैं आपको हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने, तो चलिए देखते हैं श्रीगंगानगर में और क्या बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। हम है जी जय शंकर जटाधारी तेरा भरोसा बड़ा भारी पंडित जी जलेबी वालों के पास, एंड आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत महादेव जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं जी लाजवाब सी जलेबी और कचौरी, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनकी कचौरी को सर्व करने का स्टाइल है बड़ा यूनिक, इसके अंदर ये दही डालते हैं, चटनी डालते हैं एंड साथ में डालते हैं जी बूंदी, जो रायते वाली बूंदी होती है उस तरीके से सर्व की जाती है। तो चलिए इस कचौरी को भी चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। काबिले तारीफ, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया जाएगा। बेसिकली जो दाल का मसाला है ना जी वो है कमाल का, और साथ में ये चेक करो ये बूंदी नज़र आ रही है आपको, और उनको इन्होंने सर्व करने का तरीका मैंने आपको दिखाया ही है, बड़ा यूनिक है। इन्होंने चटनियों के वो बना रखे हैं मर्तबान से और टूटी लगा रखी है नीचे, जायका बहुत बढ़िया है। और ये हमने लगवाई है जी जलेबी, मैंने पहले इनका टेस्ट करके गया था कल, तब मेरे पास कैमरास तो नहीं थे, लेकिन भाई मेरे को जायका वाकई में काबिल तारीफ लगा। मेरे को लगा कि क्यों ना इस जायके को आपके साथ शेयर किया जाए, तभी मैं आपको आज दिखाने के लिए लेके आया। जलेबी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, आपको कलर से ही पता लग रहा होगा, बहुत लाजवाब जायका है, बहुत मज़ेदार जायका है, क्रिस्पी है, मीठा भी एकदम बैलेंस्ड है, ओवरऑल मज़ेदार। बाकी अब चलते हैं आपको दिखाने आगे और क्या बढ़िया मिलता है श्रीगंगानगर शहर के अंदर। जो नेक्स्ट प्लेस पे हम आपको लेकर आए हैं ना वो है राज जल जीरा लेमन। अगर आप श्री गंगानगर में हो और अगर आपने यहाँ पे आके ये वाला जायका भी मिस कर दिया तो फिर आप बाकी गंगानगर नहीं आए, क्योंकि ये भी श्री गंगानगर का एक बहुत बढ़िया जेम स्टोन की दुकान है। जो शुरुआत इनकी जो स्टोरी है वो बड़ी जानदार स्टोरी है, तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में एंड टेस्ट करेंगे यहाँ का लाजवाब जायका। ये हैं यहाँ के ओनर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल नागपाल है। और सर बताइए, बड़ा राज जल जीरा हर जगह पे हो रखा है, क्या राज है इसका? ये राज इसका मतलब हमारा जो शुरू से जो इसका स्वाद है, जो हमने हमारे बुजुर्गों ने इसको मेंटेन किया हुआ है, उसी को आगे हम कंटिन्यू ऐसे मेंटेन करते आ रहे हैं, जैसे कस्टमर हमारे बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को, और इसमें यूनिक मसाले हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसकी वजह से ये लोकप्रिय है सब में।
तो ये मतलब कितने साल हो गए लगभग आपको ये शुरुआत की? ये हमारे दादाजी ने 1960 से ये स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग से ये सबसे पहले हमारा ये जीरा और लेमन बनाया था सबसे शुरू में। ओके, शुरुआत इन दो फ्लेवर से हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ऐसे कस्टमर की डिमांड थी उस हिसाब से हम अपने फ्लेवर लॉन्च करते रहे। बिल्कुल बंटे वाली, बिल्कुल। तो वो भी आप मतलब अभी मेरे को लगता है आउटडेट हो चुकी है, वो नहीं मिलती। हाँ, वो अगर आप कहीं मेट्रो सिटी में भी आप जाएंगे अब उसका वो ट्रेंड खत्म हो चुका है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग जो करने वाले प्लांट से वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। हाँ जी, तो उसका मतलब मार्केट में नई बॉटल मिलती नहीं है, बट हम मतलब उसको अरेंज करते हैं। क्या प्राइसिंग रहती है? जैसे छोटे होते थे हम बचपन में ना, तो 3-3 रुपए, 2-2 रुपए की आती थी। अब आज क्या रहता है इसका? हमारा अभी आज का प्राइस 20 रुपए हम ये ग्लास सेल कर रहे हैं। और जब ये स्टार्ट किया था हमारे दादा ये टाइम, वो बताते हैं जब ये मतलब जब पैसों के अंदर था 1 पैसे 10 पैसे 20 पैसे ऐसे, और आज इसका मतलब 20 रुपए गिलास है। तो क्या एड्रेस रहने वाला है? ये बिल्कुल आपको स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगा, स्टेशन के पास मतलब 100 मीटर की दूरी पे हमारी ये शॉप है। राज जीरा के नाम से हम यहाँ प्रसिद्ध हैं। किसी को आप पूछेंगे राज जीरा गोल बाजार 6 गोल बाजार हमारा एड्रेस है, नियर रेलवे स्टेशन। और क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग हमारी सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 तक रहता है। चलिए जी, आपका टेस्ट करते हैं। जायका बन रही है जी, शुगर फ्री वाली इनकी, और ये कंसंट्रेट से बना रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे जो इन्होंने बना के रखा है। अच्छा, बीच में इसके सीधा सोडा ऐड कर देते हो। वाह, वेल ये जी शुगर फ्री वाला फ्लेवर लगवाया। वैसे यहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको भैया ने एक्सप्लेन की है कि क्या क्या चीज़ें ये बना रहे हैं, एंड मैंने लगवाया शुगर फ्री वाला ट्राई करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल वाला तो हमेशा ही ट्राई करते हैं, क्यों ना शुगर फ्री वाला ट्राई किया जाए। 1% भी लग नहीं रहा कि मैं शुगर फ्री वाला पी रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा शुगरी टेस्ट भी आता है, और एकदम जो मसाले के साथ इसका जो फ्यूज़न आ रहा है वो बैलेंस होके काबिले तारीफ है, बहुत ही लाजवाब है, एंड ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। तो चलिए अब आगे के सफ़र के लिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पर बढ़िया मिलता है। हम खड़े हैं जी आगरा चाट पे, और क्या नाम है सर आपका? अमित शर्मा। और सर कितने साल हो चुके हैं आपको वैसे बेसिकली यहाँ पे रन करते हुए? मेरे को 20-22 साल हो गए यहाँ गंगानगर के अंदर। अच्छा, 20-22 साल से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ऐसा खास खिला रहे हैं आप? बस अपने हाथों की है, और तो क्या है, मसाले है अपने आगरा के, वही टेस्ट है पुराना, अपने जो पुश्तैनी फ्लेवर है हमारा। अच्छा, वो चला आ रहा है हमारा। अच्छा, बेसिकली आप आगरा से हो? मतलब आगरा से हैं। और मैं ही आया था स्टार्टिंग में। अच्छा जी, 20 साल पहले। तो फिर शुरुआत किन चीज़ों से की सबसे पहले आपने? सबसे पहले हमने आलू टिक्की लगाई, दही बल्ला, पापड़ी चाट। अच्छा, तो लोगों ने बहुत लाइक किया। ओके, उसके बाद फिर राइट में धीरे धीरे हमने पनीर चीला, डोसा, छोला भटूरा ऐड करते गए इसके अंदर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ऐड ऑन कर ली, जो भी मतलब स्नैक्स की आइटम है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो वैसे ये एड्रेस क्या रहता है प्रॉपर? एड्रेस है नियर पब्लिक पार्क। अच्छा, हाँ, न्यू मार्केट के नाम से शॉप है, मतलब ये एरिया पड़ता है न्यू मार्केट। न्यू मार्केट नियर पब्लिक पार्क। ओके, गंगानगर के अंदर है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहती है, कितने बजे आप ऑपरेट करते हो? टाइमिंग सुबह 10 से है रात 10:30 तक। 10:30 तक। तो ये बना बेसिकली किस चीज़ की रहे हो? जैसे कई लोग पोहे वगैरह की बनाते हैं ना, अलग अलग तरह की है। आलू है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, आलू वगैरह, कॉर्नफ्लोर वगैरह, पूरी क्रिस्पी टिक्की बना रहे हो? पूरी क्रिस्पी टिक्की। और साथ में इसको मतलब क्या चटनियों वगैरह के साथ सर्व करते हो? चटनी अमचूर की चटनी है, धनिया पुदीने की चटनी है, बढ़िया। अच्छा, अमचूर और धनिया पुदीना। हाँ जी, जैसे मैं छोले भी देख रहा हूँ, छोला भी है जी इसके अंदर। तो आप छोले डाल के? पहले छोले, फिर चटनी, दही चटनी, पूरा एक मतलब फ्यूजन सा बना के दोगे आप, है छोले वाला? बिल्कुल, जो शुरू से छोलों में ही चल रही है। बिल्कुल। ओके, इसके अंदर आएंगे चने। ओके, हरी चटनी, धनिया पुदीने वाली। छोले में देख रहा हूँ जैसे काफी मोटे मोटे है ना, आप दोनों यूज कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कई लोग तो मटर भी यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप छोले यूज करते हैं। साथ में प्याज, प्याज और प्याज सिरके वाले? हाँ जी, हाँ जी, सिरका नहीं, चकुंदर वगैरह मिक्स होता है इसके अंदर। ओके, वेल ये आ चुकी है जी आगरा वालों की जबरदस्त टिक्की, इसके ऊपर छोले डाले गए हैं, मीठी चटनी और साथ में हरी चटनी डाली गई, और ऊपर डाले गए हैं बढ़िया से प्याज। चलिए स्वाद चखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। भाई वाह, टिक्की जो है एकदम क्रिस्पी है, साथ में छोले, दही और चटनियों का जो फ्यूज़न आ रहा है ना भाई, वो बहुत कमाल है। बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त जायका है। अगर आप श्री गंगानगर में आ रहे हो तो आप टेस्ट कर सकते हो भाई, बहुत लाजवाब है, मज़ेदार है।
आई होप आपको हमारी श्री गंगानगर की सीरीज अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारी सीरीज को करते हैं एंड एंड चलते हैं हमारे आगे के सफर के लिए। टिल देन बाय बाय।